हाँ जी मनीष जी, गुड गुड इवनिंग इवनिंग जी, जी, गुड गुड इवनिंग। इवनिंग सर। क्या मार्क्स आए आपके आईसीआई में? 314 14 ओके, इंडिविजुअल मार्क्स बताएंगे? इंडिविजुअल अकाउंट्स में 70 आए, फिर लॉ में 71, मैथ्स 91 और इको बीसी के में 82। वाओ, मैथ्स में आपके हाईएस्ट नंबर है। यस सर। आपने ग्रूमिंग से कोर्स लिया था? यस सर, ग्रूमिंग से लिया था, 9.0 कोर्स लिया था। 9.0 कोर्स लिया था, कितने टाइम पहले लिया था? लिया तो था दिसंबर में, पर 12th का बोर्ड हुआ था उसमें मार्च में, तो पढ़ाई 1 अप्रैल से स्टार्ट की थी। 1 अप्रैल से पढ़ाई स्टार्ट की थी? यस सर। यानी कि अप्रैल, मई एंड जून का मिड, सिर्फ आपने 2.5 महीने के अंदर इतनी प्रोग्रेस ली है। यस सर। तो इसमें आप ई स्कॉलर्स का कितना बड़ा सहयोग मानते हैं कि 2.5 महीने के अंदर आपने ये पढ़ाई करी है, तो इसमें ई स्कॉलर्स का क्या योगदान है? ई स्कॉलर्स का सर बहुत योगदान है सर, खासकर सर परफेक्ट प्रैक्टिस बुक तो बहुत हेल्पफुल सर, उसी में मतलब पूरा बुक क्वेश्चंस वही था। मैं चाहूंगा आप ना और बच्चों को बताएं, जो बच्चे कहते हैं कि सर 12th के साथ मैं तैयारी कैसे करूंगा, मेरे को 6 महीने रुक के तैयारी करनी पड़ेगी, तो आपने वो चीज सही करके दिखाई है बच्चों को। क्यों सर, बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर 12th के साथ मैं कैसे एग्जाम दूं, मैं तो दे ही नहीं सकता, मेरे को तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। तो बेटा कृपा करके अपनी ना गाइडेंस शेयर करो और बच्चों के साथ, ताकि मुझे एक भ्रम है ना दिमाग में कि 12th के साथ तैयारी नहीं हो सकती, फाउंडेशन बहुत ज्यादा टफ है, उन्हें वो भ्रम टूटे और वो भी अपना अटेम्प्ट निकाल पाए विद 12th। नहीं जैसे सर 14 मार्च को लास्ट एग्जाम था बोर्ड्स का, तो 10-15 दिन तो थोड़ा चिल किया, उसके बाद फिर 1 अप्रैल से प्रॉपर स्टडी मटेरियल आईसीआई का लेके और चंदन सर के रिकॉर्डेड लेक्चर देख के पूरा सब देख लिया। आप बेटा 12th के साथ पहले भी कुछ कर रहे थे या 14 मार्च से चालू है? 14 मार्च से चालू करें। कितना टाइम देते थे आप जब आपने 3 महीने के अंदर तैयारी करी, तो आप कितना टाइम अपने स्टडी में देते थे? टाइम सर 5 to 6-7 hours, मतलब इंडिविजुअली सब्जेक्ट्स में, एंड में तो सर जितना जरूरत पड़ा उतना दिया बस। तो वो आपको कितना लगता था कि इफेक्टिव टाइम आप कितना दे रहे हैं पर डे के हिसाब से? लास्ट के 1 month में सर 8 to 9 hours तो दिए थे। अच्छा, इफेक्टिव आवर्स। तो क्या ग्रूमिंग आवर्स पूरे इफेक्टिव? यस। क्या ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी के फैकल्टी मेंबर्स आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व करते थे? यस सर। क्वेरी सर 1 to 2 days के अंदर रिजॉल्व हो जाती तुरंत। 1 to 2 days के अंदर? और जो टेस्ट पेपर होता था वो चेक होकर मिलता था आपको? यस सर। टेस्ट पेपर्स को जैसे रिटन पेपर्स के लॉ और अकाउंट्स के एक एक टेस्ट पेपर दिए थे, तो लॉ के फर्स्ट पेपर में 60 में 40 दिए थे, तो उसमें गलतियां समझ में आ गई थी क्या क्या गलती है, और अकाउंट्स के फर्स्ट पेपर में 85 या 90 के आसपास दिए थे, तो उससे फिर मतलब एग्जाम के पेपर में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी वो, पर फैकल्टी के टेस्ट पेपर बहुत सही से चेक हो गया है, पूरा गलती लिखा हुआ था। अच्छा जी। हाँ, मैं आपसे, आपकी स्ट्रेटेजी कैसे होती थी, जैसे मतलब मैथ्स की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि ये देखो एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, और 90 लाना यार बहुत बड़ी बात है कि नहीं? अगर मैं बात करूँ सीए फाउंडेशन मैथ्स में 90 लाना की मतलब सपना रहता है, तो ये जो मतलब आपने अगर 90 क्वेश्चन या 91 किए होंगे तो वो सारे राइट हुए, और वो 2 घंटे के अंदर करना, जैसे कि बच्चे कह रहे थे काफी पेपर भी लंबा था, कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट भी आए थे इस टाइम, काफी बच्चों की ऐसे क्वेरीज भी थी, तो आपकी जो स्ट्रेटेजी होती थी ये जो 3 महीने के अंदर है ना, तो वो कैसी स्ट्रेटेजी होती थी आपकी? पहले जैसे सब असल में पीपी बुक आधा तो पीपी बुक में पूरा सॉल्व ही किया हुआ था, आधा जो बुक का है, और लास्ट पार्ट सर में टाइम नहीं होने के बारे में पूरा सॉल्व ही नहीं कर पाया मैथ्स का। एक तो सर मुकेश सर की 12 आवर्स की जो ODR बैच चली थी यूट्यूब पे, तो वो तो बहुत ही मतलब उससे ऑलमोस्ट बहुत सारे क्वेश्चन उसमें से भी थे, वो भी बहुत हेल्पफुल थी। 1 अप्रैल से लॉ और मैथ्स को चालू किया था, ये प्रैक्टिकल एक थ्योरी, तो मतलब मई के मिड में तक लॉ मैथ्स हो गया था, फिर अकाउंट्स इको तो बेसिकली 12 का ही बहुत सारा था, तो उसके लिए फिर 1 महीना के लिए हो गया, तो मैथ्स में मैक्सिमम जो आईसीआई के स्टडी मटेरियल थे पूरा सॉल्व कर लिया, सेट सी को छोड़ के स्टैट्स का, और स्टैट्स का यूट्यूब वीडियो देख लिया था आपका थ्योरी का। जैसे बच्चे कहते हैं कि मैथ्स के अंदर की सर नहीं चैप्टर्स जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो चैप्टर्स है ना, कई बच्चों को लगता है कि क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आते हैं, मेरा बस आपसे क्वेश्चन ये है कि कुछ अगर हम बेसिक चीजें जान लें कि इसके अंदर एन्यूटी का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट का, तो क्या ये हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, या बहुत टफ क्वेश्चन आते हैं? पेपर एकदम उसमें लिखा हुआ था, टाइम तो वैल्यू ही लिखा रहता था, अगर किसी को निकालना नहीं पाता तो वैल्यू से खाली माइनस करके अगर करेगा तभी आ जाएगा। इजी कैलकुलेटर ट्रिक अगर किसी को पता है तो आई थिंक वो आराम से निकाल सकते हैं। कई लोग इस चीज को हवा बना लेते हैं, 3 अटेम्प्ट लग गए उसके बाद
पहले से ही नेगेटिव सोचना शुरू कर देंगे, सर मुझे लग रहा है मेरा नहीं होगा, सर मुझे लग रहा है मेरा नहीं होगा। तो मैं यहाँ कम्युनिटी से कहना चाहूंगा कि आप इन स्टूडेंट को देखिए, इन्होंने चिल भी किया, इन्होंने मेहनत भी करी और 1.5 महीने के अंदर इन्होंने लॉ और मैथ्स को कंप्लीट कर लिया। ये बहुत ही रिमार्केबल चीज है। यस सर, आप इन्हें बधाई देना चाहेंगे? हाँ जी सर, बहुत बधाई। और मैं उम्मीद करूंगा बेटा, अगर आपने 3 महीने में ये कर सकते हो ना, तो इंटर 9 महीने में बहुत अच्छे से रैंक निकाल सकते हो। तो रैंक वाली कैपेबिलिटी है, पढ़ाई आज से ही चालू कर दो, चाहे आज और चिल कर लो। आपने तो वैसे 12th के बाद भी चिल करा था 15 दिन, बट यहाँ पर इतना 15 दिन जाने की जरूरत नहीं है। 2-4-5 दिन के बाद इंटर की तैयारी चालू करो, ताकि हम आपका इंटरव्यू लें रैंक के लिए। ठीक है जी, तो विश यू ऑल द बेस्ट। उम्मीद करता हूँ ये सक्सेस जारी रहेगी इंटर में भी और फाइनल में भी। थैंक यू सो मच बेटा फॉर कनेक्टिंग, एंड विल मीट इन द नेक्स्ट इंटरव्यू ऑफ इंटर। कांग्रेचुलेशन वंस अगेन। थैंक यू। बट सर, इसमें एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा मैं, क्या सर हर एक बच्चे के लिए चीज पॉसिबल है कि वो 12th के बाद 3 महीने में तैयारी कर दे? बात क्या है कि एक अगर प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाई जाए तो देखो पॉसिबल तो है। अब हर बच्चे का लेवल एक जैसा नहीं है, है ना, उनका डिटर्मिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना तो डिटरमाइंड है उस चीज को लेकर, कितना सीरियस है। तो सबसे पहले एक होता है कि शेड्यूल मेंटेन करना, टाइमिंग मतलब क्या दे रहा है प्रॉपर। बट वो 3 महीने का मतलब ये है कि सब कुछ छोड़ देना, सोशल मीडिया से दूर होना, बर्थडे पार्टी सब बंद, शादी विवाह सब बंद, अपना फोकस जो है जितना भी आप टाइम दे रहे हैं 7 घंटे 8 घंटे, उसका इफेक्टिव जो आवर्स है वो आपको ज्यादा से ज्यादा निकालना पड़ेगा। कहीं एक संन्यास ले ले। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और दूसरी बात, कहीं ना कहीं ना उस समय कहीं ना कहीं आपका एक पुराना बेस क्या रहा है, हाँ, पढ़ाई के अंदर कैसे थे वो भी मैटर करेगा। मैटर कर तो जरूरी है बेटा, आप ये ना करें कि आप भी 3 महीने में तैयार करेंगे, 3 महीने के अंदर ही होगा 6-7 घंटे। हर एक का लेवल अलग है, किसी का अगर लेवल थोड़ा सा कम होता है ना तो उसको थोड़ी ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, कुछ पहले से तैयारी करनी पड़ती है। तो जैसे वो कुछ स्टंट करने से पहले वो दिखाते ना, कृपा करके इन स्टंट को घर पे अप्लाई ना करें। तो हर कोई बच्चा वो 2-2.5 महीने के अंदर तैयारी करने की ना सोचे, थोड़ा सा टाइम दो और अपने आपका लेवल जज करो टेस्ट देके, ताकि आपको पता लग पाए क्यों सर बिल्कुल कि आपका क्या लेवल है और किस लेवल की आपको तैयारी करने की जरूरत है। तभी बार बार हम कहते हैं कि टेस्ट और कंसेप्ट क्लैरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। जिन बच्चों की बचपन से मतलब 11th 12th के अंदर कंसेप्ट क्लैरिटी बिल्ड हो जाती है, उनके लिए फाउंडेशन थोड़ा आसान हो जाता है। बट जिनकी थोड़ी कंसेप्चुअल क्लैरिटी या नहीं मिल पाई उस तरीके से, तो उनको थोड़ी सी वहां पर चीजें मेहनत करनी पड़ती है। तो इस बात का भी खास ध्यान रखें सारे के सारे बच्चे जो यहाँ पर जुड़े हुए हैं और 12th से रिलेटेड कुछ क्वेरी पूछना चाह रहे थे।